कानपुर में सोमवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। पहले दिन अधिकारियों के असमंजस के चलते करीब 1 बजे बिक्री शुरू हो सकी। इसके चलते प्रत्याशियों ने नाराजगी जताई। नगर निगम और बिठूर पंचायत के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री प्रिमला सभागार में की जा रही है। पहले दिन बड़ी संख्या में नामांकन पत्र खरीदने के लिए लोग जुटे हैं। प्रत्याशियों को लाइन में लगकर नामांकन पत्र खरीदने पड़ रहे हैं। नामांकन के लिए कुल 9 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें 6 टेबल पार्षद, 2 बिठूर नगर पंचायत और 1 टेबल महापौर के नामांकन पत्र की बिक्री के लिए लगाई गई है। 1 बजे तक एक भी RO नामांकन पत्र बिक्री के लिए प्रमला सभागार में नहीं पहुंचे थे। ऐसे में नामांकन पत्र की बिक्री बंद रही। प्रत्याशियों ने हंगामा किया तो मौके पर मौजूद उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों को शांत करवा कर समस्या की जानकारी ली। लोगों की शिकायत पर तत्काल सभी RO को नामांकन कक्ष से सभागार में बुलाया गया, जिसके बाद बिक्री शुरू हो सकी। नगर निगम मुख्यालय के बाहर नामांकन के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां चारों ओर से रास्ता बंद कर दिया गया है। वाहनों के आने जाने पर मनाही है। नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से कराने के लिए परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। नामांकन कक्षों में स्टैटिक कैमरामैन टीम की ड्यूटी लगाई गई है। नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक साथ जिले के 2 वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको इसकी इजाज़त राज्य निर्वाचन आयोग से मिल गई है। दोनों वार्डों से अगर वह चुनाव जीत जाता है तो उसे 1 से इस्तीफा देना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक नामांकन पत्र प्रस्तावक भी जमा कर सकेंगे। पति पत्नी चुनाव में एक दूसरे के प्रस्तावक हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्य किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक हो सकता है। अलग अलग पदों के उम्मीदवार एक दूसरे के प्रस्तावक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों के उम्मीदवार का प्रस्तावक हो सकता है। पार्षद पद के लिए जनरल प्रत्याशी का 400 रुपये नामांकन पत्र शुल्क और 2500 रुपये जमानत धनराशि, OBC SC व ST आरक्षित के लिए 200 रुपये नामांकन पत्र शुल्क और 1250 रुपये जमानत धनराशि। महापौर पद के जनरल प्रत्याशी का 1000 रुपये नामांकन पत्र शुल्क और 12000 रुपये जमानत धनराशि, OBC SC व ST आरक्षित के लिए 500 रुपये नामांकन पत्र शुल्क और 6000 रुपये जमानत धनराशि। नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए कानपुर में 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 27 अप्रैल तक नाम वापसी होगा। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। रजत कुमार, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।